नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द स्टडी पावर। आज के इस वीडियो में हम 22 अगस्त से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, उन सभी को हम इसमें डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। आपको याद रखना है दोस्तों कि डेली हमारी करंट अफेयर्स की क्लास मॉर्निंग में 8:15 होगी, तो आप डेली इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य पोर्टल विकसित किया जाएगा? तो हाल ही में भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा जो है स्वास्थ्य पोर्टल विकसित किया जाएगा। और स्वास्थ्य पोर्टल भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स द्वारा विकसित किया जाएगा। इस ई पोर्टल प्लेटफॉर्म पर भारत की जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि स्वास्थ्य पोर्टल जो है वो हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वाधिक तापमान के लिए चर्चा में रही डेथ वैली कहाँ पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डेथ वैली जो है वो अमेरिका में स्थित है और डेथ वैली यूएसए के दक्षिणी कैलिफोर्निया रेगिस्तान में स्थित है। और हाल ही में डेथ वैली में स्थित फर्नेस क्रीक का तापमान 54.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जो अभी तक पृथ्वी पर दर्ज किया गया सर्वाधिक तापमान है। और डेथ वैली एक रिफ्ट वैली है, इसे शैतान का गोल्फ कोर्स भी कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि डेथ वैली को शैतान का गोल्फ कोर्स भी कहते हैं। और यहाँ पे सर्वाधिक तापमान जो है वो पाया गया डेथ वैली में, और ये कहाँ पर है? अमेरिका में है। उसके बाद में नेक्स्ट है, हाल ही में हुए स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार देश में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में लगातार चौथी बार जो है इंदौर प्रथम स्थान पर है। और स्वच्छता सर्वेक्षण के 5वें संस्करण में इंदौर को भारत का सबसे साफ शहर चुना गया है। और इस सूची में 2017 से ही इंदौर पहले स्थान पर रहा, यानी चौथी बार है ये जब इंदौर को जो है स्वच्छ शहर की कैटेगरी में फर्स्ट रैंक मिली है। और राजस्थान के जयपुर को 28वां और जोधपुर को 29वां स्थान मिला है। और जोधपुर को फास्टेस्ट मूवर बिग सिटी का खिताब भी मिला है, फास्टेस्ट मूवर बिग सिटी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अरुण 3 जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये जो परियोजना है ये नेपाल में स्थित है और यह नेपाल की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना यानी जल विद्युत परियोजना है। और नेपाल इसे भारत के सहयोग से बना रहा है। इसकी शुरुआत 1992 में की गई थी। 900 मेगावाट की इस परियोजना में 5 भारतीय बैंक ऋण सहायता प्रदान कर रहे। तो आपको ध्यान रखना है अरुण 3 जल विद्युत परियोजना नेपाल में स्थित है और भारत की सहयोग से ये बन रहा है। उसके बाद में हाल ही में विश्व मानवता दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे यानी विश्व मानवता दिवस 19 अगस्त को मनाया गया। और 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस उन मानवतावादियों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने मानव सेवा के लिए जीवन दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 19 अगस्त 2003 को इराक में बम धमाकों में मारे गए लोगों की याद में 2009 में यह दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान रखेंगे इसके साथ में। तो हाल ही में वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे जो है वो 19 अगस्त को मनाया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में हुए स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में निम्न में से किस राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? शहर की बात हमने कर ली थी, इंदौर उसमें फर्स्ट स्थान पर था। और अगर बात करें हम राजधानी की तो राजधानियों में दिल्ली जो है उसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। दिल्ली नगर पालिका परिषद ने 20 अगस्त 2020 को घोषित स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में सबसे स्वच्छ राजधानी वाले शहर की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया। और एनडीएमसी जो दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार श्रेणियों में खुले में शौच से मुक्ति की श्रेणी में डबल प्लस और कूड़ा मुक्त शहरों में रैंकिंग में 3 स्टार गार्बेज फ्री सिटी की रैंकिंग में पहले से ही मिली हुई है। ठीक है, तो खुले में शौच से मुक्ति, कूड़ा मुक्त शहर और गार्बेज फ्री सिटी, ये तीनों जो कैटेगरीज होती है जिसके बिहाफ पर जो है दिल्ली को पहला स्थान प्राप्त हुआ है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में। उसके बाद में हाल ही में
किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो हाल ही में माली के जो राष्ट्रपति है इब्राहिम बाउबकर कीता, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और ये जो माली है ये पश्चिम अफ्रीकी देश है और उन्होंने अपने पद से 18 अगस्त 2020 को देर रात इस्तीफा दे दिया। देश में एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में विद्रोही सैनिकों ने राष्ट्रपति आवास को घेराव किया और हवा में गोलीबारी करते हुए उन्हें बंधक बना लिया था। आपको मैं बता दूं कि राष्ट्रपति कीता के खिलाफ भ्रष्टाचार और खराब सुरक्षा व्यवस्था के आरोपों को लेकर जून से ही देश भर में प्रदर्शन जारी है और इस्तीफे की मांग की जा रही थी और हाल ही में उन्होंने 18 अगस्त को इस्तीफा दे दिया है। तो आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ये माली के राष्ट्रपति है जो कि एक पश्चिमी अफ्रीकी देश है। भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में किस स्थान पर बरकरार है? तो वो दूसरे स्थान पर बरकरार है। और भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर बरकरार है, जिसमें शीर्ष 10 में दो अन्य भारतीय बल्लेबाज भी शामिल है। और वो दो कौन है? एक तो चेतेश्वर पुजारा है जिन्हें आठवीं रैंक मिली है और अजिंक्य रहाणे हैं जो 10वें स्थान पर है। और ऑस्ट्रेलिया के जो स्टीव स्मिथ है वो फर्स्ट रैंकिंग पर है, क्योंकि सेकंड पर कौन है? विराट कोहली सेकंड पर है और फर्स्ट पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने अपने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने हेतु एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में भारत और इसराइल ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और इसराइल ने अपने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने के लिए एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच साहित्य, शिक्षा, सिनेमा आदि के क्षेत्र में सहयोग के नए दरवाजे खुलेंगे। इस 3 वर्षीय कार्यक्रम का मूल उद्देश्य दोनों देशों के लोगों के बीच सहयोग और आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। तो आप ध्यान रखेंगे, भारत और इसराइल के बीच में ये सांस्कृतिक समझौता जो है हुआ है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक कोरोना संकट की वजह से लगभग कितने लोग नौकरियां गंवा चुके हैं? तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक 1.9 करोड़ लोग जो है अब तक नौकरियां गंवा चुके हैं और 1.9 करोड़ लोग जो है कोरोना संकट की वजह से नौकरियां गंवा चुके हैं। और जुलाई महीने की बात करें तो सिर्फ जुलाई महीने में ही 50 लाख लोग बेरोजगार हो गए थे। तो आपको ध्यान रखना है, 1.9 करोड़ लोग जो है अब तक नौकरियां गंवा चुके हैं। तो डेली आप ध्यान रखेंगे, 200 करंट अफेयर्स की क्लास जो है 8:15 बजे मॉर्निंग में होगी, 8:15 o'clock। और हमारे जितने भी अपकमिंग एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो हम अपने फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करते हैं। तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।